अरे कृष्णा, मैं फालतू क्वेश्चन भी चालू कर दिया था, मुझे पता ही नहीं था स्क्रीन शेयर नहीं करी है। चलो स्टार्ट सिक्स कर लो। इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन। BC of a triangle ABC is bisected at the point AB. Matlab this is the midpoint. The equation of the side AB and AC are respectively this and this. Equation of the median through A is. डन। देखो बहुत सिंपल है। वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो ऑब्वियसली ए और डी, डी होगा वो मिड पॉइंट होगा। तो इक्वेशन ऑफ ए डी हमको निकालना है, इक्वेशन ऑफ ए डी हमको निकालना है। डी मिड पॉइंट है वो तो ऑलरेडी दिया है, तो हमारा एक काम तो खत्म हो गया। नाउ अब हमारे को क्या निकालना है, ओनली पॉइंट ए निकालना है। ए भी खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? ये जो लाइन है एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू वन, और दूसरी इक्वेशन है जो बी एक्स वाई, वो जो है इक्वेशन, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो देखो मैंने ए का मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन, तो एक्स प्लस ए बी वाई इजिकल टू ए, और सेकंड में बी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या देखो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इजिकल टू बी, इसको माइनस कर दिया। गाइस आर यू गेटिंग मी? देखो व्हाट आई एम डूइंग। देखो बेटा ये लाइन है ए बी गिवन है दिस, ए सी गिवन है दिस, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ना। दोनों को अपन नाइन्थ वाली मेथड से सॉल्व करेंगे, तो नाइन्थ टेंथ में करते थे है ना। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करके कर लिया, तो अब ये क्या जाएगा बेटा, देखो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए इजिकल टू ए माइनस बी। अब देखो इसको आई कैन राइट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या बेटा, वन अपॉन ए प्लस बी। यस गाइस सिंपल है ना। हमारे पास एक इक्वेशन क्या थी, देखो एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू वन। इस इक्वेशन में मैंने अगर ए एक्स की वैल्यू रखी वन अपॉन ए प्लस बी, प्लस बी वाई इजिकल टू वन, तो ए यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगा बेटा, वन माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। अरे यस, तो वाई की वैल्यू क्या बेटा, देखो ए प्लस बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, ए कैंसिल हो रही है बी इस बी से कैंसिल, फाइनली वाई इज इक्वल टू आ गया अपना वन अपॉन ए प्लस बी। यस, तो पॉइंट ए के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे बेटा, वन अपॉन ए प्लस बी कमा वन अपॉन ए प्लस बी। कहीं देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्वेश्चन को बस डराने के लिए किया है। हमको दोनों लाइन सॉल्व करना है, तो मैंने इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें बी का। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना इंटू एक्स ए माइनस बी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या गई, दिस वन अपॉन ए प्लस बी है ना। अब इसको वापस लाइन में पुट किया, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई। तो गाइस कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। अब हमारे पास ए और बी पूरा पॉइंट आ चुका है। अरे बेटा अच्छा, हमारे पास ए है एंड डी ऑलरेडी ए कॉमा बी। इक्वेशन क्या देखो बेटा, वाई माइनस वाई वन
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये तो होगा ए बी। अब ये वाई टू माइनस वन, तो वन अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन वन अपॉन ए प्लस बी माइनस ए, वाई माइनस बी इज इक्वल टू, बेटा देखो एलसीएम लोगे तो क्या देगा बेटा, वन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स माइनस ए। गाइस वो सब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई माइनस माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या करते देखो, वन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए का मतलब देखो माइनस ए प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी कैंसिल, फाइनली यू गॉट वन माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, इधर आएगा तो वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई, और ये माइनस है और माइनस इधर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। केवल बड़ा है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर आप ऐसे सिंपली समझो ना, तो हमने दो हमने हमने क्या किया बेटा, देखो अगर हम सिंपली देखें ना, तो व्हाट वी डिड, टू लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला ए, एक लाइन थी एक्स प्लस बी वाई और दूसरी थी बी एक्स प्लस ए वाई, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला अपने पास, और कुछ भी नहीं किया। और डी हमको पहले से उसने दे रखा था, ए बी डी पता था, ए पता था, सॉल्यूशन लगाया। यस गाइस गेटिंग एवरीबॉडी, अरे हाँ तो बोल दो। चलो क्वेश्चन नंबर सेवन को प्यार करो, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन ट्राई करो। अच्छा बेटा अभी रुको एक मिनट, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना इसको अभी हम भूल जाते हैं, अभी ध्यान सुनो। देखो बेटा इस प्रीवियस क्वेश्चन को मैं अगर ध्यान से देखूं तो हमारी, देखो एवरीबॉडी प्लीज कंसंट्रेट है ना, अब इसका एक मैं मेरा मेथड बताता हूँ, ध्यान सुनना बेटा। हमारे पास एक तरह से वी हैव वन इक्वेशन, उसकी लाइन है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वन, दूसरी है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू वन, इज इट, ये क्वेश्चन। द बेस बी सी ऑफ द ट्रायंगल बाइसेक्टेड द पॉइंट ए बी एंड द इक्वेशन ऑफ द साइड ऑफ ए बी एक्स प्लस बी वाई और बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू वन, है ना बेटा। अगर मैं इसको ध्यान से देखो तो एक तरह से ये हमारा ए है ना, बी डी को बोले। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन जो और इधर डी से जाती है। अरे यस, तो गाइस अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये क्या क्वेश्चन हुआ, ध्यान समझो बेटा, लिसन, देखो ये एक तरह से लाइन है, है ना बेटा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं तो बेटा ए डी है, अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो ए डी कॉमा ए सी कॉमा ए बी फैमिली ऑफ लाइंस है एक तरीके से, देखो। अरे बोलो ना, हाँ यस सर। और पासिंग थ्रू कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, यस और नो? अरे यस यस सर। अरे बोलो ना, हाँ है ना बेटा। तो मैंने क्या दिमाग लगा, ध्यान सुन लो, तो अगर इक्वेशन ऑफ एडी निकालना है तो वो भी तो फैमिली है। अरे यस और नो? तो वो तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी बेटा, देखो एक्स प्लस बी वाई
माइनस वन प्लस लेमडा इंटू बी एक्स प्लस ए आई माइनस वन इजकल टू जीरो, ये आ गई इक्वेशन। अरे यस और नो? यस सर। ये फैमिली ऑफ लाइन आ गई बेटा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अच्छा, अब अगर आपको पर्टिकुलर देखो, ये इक्वेशन आपकी एबी की भी है, ये इक्वेशन आपकी एडी की भी है, ये इक्वेशन आपकी एसी की भी है। अरे यस और नो? लेमडा अलग अलग है, डिफरेंट लेमडा। अरे यस और नो? अरे अपने कल पढ़ा था ना जैसे पॉलीग्राफ है ना। अच्छा, अब इसमें अपन ने लगा दिया कि एडी जो है वो पासिंग थ्रू डी, तो ये पर्टिकुलर हो जाएगी। अरे यस और नो? ये पर्टिकुलर लाइन हो जाएगी ना, डी से पास होती है। तो अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, बहुत सिंपल है। अब हमने इसमें एक्स के लिए रख देते बेटा, ये क्या देखो ध्यान से सुनो, ए ए प्लस बी बी माइनस वन प्लस लेमडा इंटू, ये क्या देखो बी ए प्लस ए बी माइनस वन इजकल टू जीरो। तो अगर मैं लेमडा की वैल्यू देखूँ तो ये इधर जाएगा, तो क्या देगा देखो, ए स्क्वायर ये इधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर माइनस वन विद द माइनस साइन। नीचे क्या आएगा बेटा देखो ध्यान सुनो, नीचे जाएगा टू ए बी माइनस वन। अरे यस और नो? अरे यस, ये इधर जाएगा फिर ये नीचे चला जाएगा ना उसके, यस तो बोल दो कि मैं एक बार और बताऊं। अरे देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस वन, ये उधर गया तो गया माइनस लैम्डा, ये हो गया ए बी प्लस ए बी, तो ये हो गया टू ए बी माइनस वन। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वन अपन इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, अब तो सिंपल है हमारी, इनसे क्या हो गया ए एक्स प्लस बी वाई माइनस वन प्लस लैम्डा की वैल्यू क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू ए बी माइनस वन, ये माइनस वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, इंटू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस वन इजकल टू जीरो। यस गाइस, तो ये भी आपका एक तरह से ए डी का इक्वेशन आ गया, इसको बस अब आपको सॉल्व करना है। ये मैंने एक मेथड बताया, यस ये वन मेथड है और ये दूसरा मेथड है, एंड अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा मगर बकायदा। कैसे, ये टू ए बी माइनस वन इधर आ गया, फिर ये पूरा इसको सॉल्व करो इसको। देखो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इससे रिलेटेड, ध्यान सुनो, देखो ध्यान सुनो, एवरीबडी प्लीज कंसंट्रेट। हाँ, आई आई टी में घुस रहे तो थोड़ा दिमाग लगेगा। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू ए ना, इफ इक्वेशन ऑफ ए बी एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड ए सी इज एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। है ना, where D is the midpoint of B and C 2,5। चलो सब लोग अपने हिसाब से चलो, इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालना है आपको। A नहीं पता, बी नहीं पता, सी नहीं पता, ए बी का इक्वेशन पता है एक्स प्लस वाई माइनस वन, दूसरा ए सी का इक्वेशन पता है एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये इसका डी मिड पॉइंट पता है 2,5।
and you have to find out the equation of AD. अब गाइस ध्यान सुनो, देखो बेटा मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो ये एक लाइन हो गई, ये जो B को एक तरह से एक्सटेंड करूं, ये AC को एक तरह से करूं, एक तरह से देखो ध्यान सुनो, AB, AC and AD all are belongs to one family, है ना, with yes sir common vertex, common point क्या हो गया बेटा A, yes or no? तो family की नहीं, family की equation तो आप लिख सकते हो, क्या होती जल्दी बताओ, अपने कल ही पढ़ा था ना L1 plus lambda L2 is equal to zero, yes sir, तो L1 क्या है बेटा x plus y minus 1 plus lambda into x minus y, ये आपकी फैमिली हो गई, यस और नो, है ना बेटा, ये इक्वेशन ए बी की है, ये इक्वेशन ए डी ए सी तीनों की है ना, फैमिली बस, अरे यस यस सर, है ना, आप देखो अगर आपको पर्टिकुलर एडी चाहिए तो डी से पास करा देते हैं, डी के पॉइंट क्या दे रखे बेटा, टू कामा, थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, टू कामा टू कामा फाइव रहने दे, चलो तो देखो देखिए टू प्लस फाइव माइनस वन प्लस लैम्ब्डा टू माइनस फाइव माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो कितना गया बेटा ये सिक्स प्लस सिक्स माइनस फोर लैम्ब्डा, अरे यस, तो लैम्ब्डा की वैल्यू क्या गया बेटा थ्री बाय टू, अरे यस और नो, यस सर, अब हमने सिंपली क्या किया उसके अंदर पुट कर दिया, क्या थी हमारी एक्स प्लस वाई माइनस वन प्लस लैम्ब्डा की वैल्यू क्या है थ्री बाय टू इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा देखो टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री, फाइनली कितना आ गया बेटा देखो ये हो गया फाइव एक्स प्लस माइनस वाई और माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर है, सबको समझ में आया बेटा, देखो फिर समझ लो बेटा, उसने क्या बोला सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू ए, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एडी, है ना, अच्छा अब एक लाइन की इक्वेशन है तो उसने एक पॉइंट डी तो दिया 2.5, उसने बोला है मिड पॉइंट 2.5 है, और ए बी की इक्वेशन दे दी है एक्स माइनस दिस और इसकी इक्वेशन दे दिस, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर बेटा, अब ध्यान सुनो देखो बेटा व्हाट यू आर डूइंग, अगर हम देखें तो ए पॉइंट कॉमन है तो ए बी ए डी ए सी एफ फैमिली ऑफ लाइंस हो गई, यस, तो इसको निकालने का तो सर ने तरीका कल ही बता दिया था रात को, एल वन प्लस एल लैम्ब्डा एल टू इक्वल टू जीरो, ये हो गई लाइन वन प्लस लाइन टू, ये ए बी ए डी ए सी तीनों की आ गई, अच्छा मगर पर्टिकुलर ए डी निकालना है तो लैम्ब्डा की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो 2.5 से पास होते तो एक्स की वैल्यू टू रख दी, वाई की वैल्यू फाइव रख दी, We got lambda is equal to minus 3 by 2. इसको वापस रख दिया इक्वेशन के अंदर, सॉल्व किया, ये AD की क्वेश्चन आ गया. Any problem बेटा getting everybody? सर हम AB और AC का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं ना? सेम यू कैन डू सेम, आप कोई भी कर सकते हो, दोनों मेथड बता दी ना मैंने, आई डिस्कस बोथ द मेथड्स, आपको जो सूटेबल लगे, है बेटा, चलो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अपने पास है, चलो सेवन करो तो जरा जल्दी से, क्या है सेवन क्वेश्चन बेटा,
रीडेबल है सर, थोड़ा बड़ा करो। अभी ठीक है? यस सर। ऑप्शन ए। गुड बॉय। द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस L10 और L20। द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस व्हिच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये जो लाइन है हमको इसकी इक्वेशन निकालना है और जो स्लोप है वो दे रखा है। अगर कोई वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब स्लोप क्या हुआ? अभी तो हमको अभी सर ने बताया तो देखो हमको फैमिली ऑफ लाइन तो आ गया, हमको निकालना क्या आ गया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लैम्ब्डा टाइम ऑफ एक्स वी डैश प्लस वाई प्लस सी डैश। ये आ गया हमारा फैमिली आ गई। इसको अगर आप चाहो तो थोड़ा प्यार कर लो, तो प्यार करने से क्या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स कॉमन लिया तो क्या होगा ए प्लस ए डैश लैम्ब्डा, वाई लिया तो बी प्लस वी डैश लैम्ब्डा प्लस सी प्लस सी डैश लैम्ब्डा इज इक्वल टू जीरो है ना बेटा। अभी अगर अपन बात करें वापिस इस पे स्लोप की, तो स्लोप क्या था जल्दी बताओ, सब लोगों को पता है माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस ए क्या हुआ ए प्लस ए डैश लैम्ब्डा और बी प्लस बी डैश लैम्ब्डा है ना बेटा। मगर ये तो क्या देखा वन अपॉन जीरो, तो क्या देखा बेटा देखो बी प्लस बी डैश लैम्ब्डा इज इक्वल टू वन, तो लैम्ब्डा की वैल्यू यहाँ से क्या गया बेटा माइनस बी अपॉन बी डैश। अरे यस सर ना, हाँ बोलो हाँ यस सर। अब देखो बेटा अब तो सिंपल है, अभी वी हैव टू पुट द वैल्यू इनटू दिस। देखो एक्स ए प्लस ए डैश लैम्ब्डा की वैल्यू क्या बेटा माइनस बी अपॉन बी डैश प्लस वाई इनटू बी प्लस बी डैश माइनस बी अपॉन बी डैश सी इनटू माइनस बी अपॉन बी डैश। अब नाउ इफ यू वांट यू कैन सिंपलीफाई। देखो बेटा ये बी से मल्टीप्लाई करते देखो देखो ए बी डैश माइनस ए डैश बी इनटू एक्स प्लस यहाँ क्या देखो देखो बेटा बी बी डैश माइनस बी डैश बी ये तो जीरो हो रहा है ना, डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना जीरो क्योंकि वो हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। और ये हो गया आपका सी बी डैश माइनस बी सी डैश दिस इज योर आंसर बेटा, ये आ गया आपका आंसर आपका ए बी डैश ये फर्स्ट वाले आ गया थे ए बी डैश माइनस ए डैश बी एक्स और सी बी डैश माइनस बी सी डैश बेटा फर्स्ट ही राइट है आपका। Yes, देखो बहुत सिंपल है, एक लाइन दे दी है L1, एक लाइन दे दी है L2, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन जाती है दिस, ये निकालना है और इसका स्लोप परपेंडिकुलर मतलब ये आ गया दे दिया स्लोप, तो हमको तो फैमिली ऑफ लाइन दिस होती है। इसको थोड़ा सिंपल हो गया, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को लिया, अब यहाँ से स्लोप निकाला माइनस ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी के कोएफिशिएंट को नीचे रखा एक्स के रखा, यहाँ से लैम्ब्डा की वैल्यू पुट इट बैक, ये लैम्ब्डा 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 की वैल्यू रख दी, दिस इज द फाइनल आंसर। अरे यस गाइस, तो लोचो नथी, अरे सबको समझ में आ रहा है ना बेटा प्लीज? यस हाँ सर सर हाँ बोलते रहोगे एकदम हायर लेवल है स्ट्रेट लाइन का ये। चलो
अब इसका बी पार्ट करके बताओ। ट्राई बी पार्ट। ऐसे तो बहुत इजी है यार। ये आईडी टाइप क्वेश्चन है। आंसर निकालो ऑप्शन में बैच करा दूंगा। Come on, guys. बहुत इजी क्वेश्चन है यार। सर डन सर डन। ए बी प्लस ए बी लैम्डा एक्स प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर वाई प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अरे इसमें तो ए बी निकालना है बेटा। द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। नहीं नहीं लाइन नहीं निकालना। दैट गलत बात है। देखो द लाइन पैरेलल टू द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर कोई लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है उसका स्लोप तो जीरो होगा पहली बात है ना। अब ये क्या होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है एक लाइन दिस और दिस। ये तो बचपन से हमको पता है ये तो सब एक फैमिली ऑफ लाइंस हो गई सारी। यस बेटा तो फैमिली ऑफ लाइंस हो गई मतलब क्या हो गया बेटा एक्स प्लस टू बी वाई प्लस थ्री बी प्लस लैम्डा इनटू बी एक्स माइनस टू ए वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये लाइन हो गई बेटा है ना। ये दो लाइन हो गई आपके पास। ये आपका आंसर आ गया ये आपका गया। बट ये हमारा लाइन हो गया बेटा एल जीरो। दिस इज योर लाइन एल जीरो है ना। मगर अपने को पर्टिकुलर क्या है स्लोप जीरो दे रखा है तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई क्या करें देखो बेटा ये हो गया एक्स कॉमन लिया तो देखो ए प्लस बी लैम्डा वाई कॉमन लिया तो टू बी माइनस टू ए लैम्डा प्लस सी क्या बेटा थ्री बी माइनस थ्री ए लैम्डा। यस गाइस अब देखो बेटा अब हमको निकालना है स्लोप। स्लोप होता क्या है बेटा जल्दी बताओ। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस ए माइनस बी लैम्डा अपॉन
हाँ तो ये क्या देखो माइनस ए प्लस बी लैम्डा अपॉन टू बी माइनस टू ए लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो गिवन है. अरे स्लोप गिवन है ना हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू ए बाय बी तो हमारे पास थीटा लैम्डा इज इक्वल टू क्या बेटा माइनस ए बाय बी सर ए बाय बी आएगा क्यों बेटा हाँ सर माइनस ए बाय बी ना तब अपनी लाइन क्या देखिए देखो एक्स ए प्लस बी लैम्डा मतलब माइनस है प्लस वाई इंटू टू बी माइनस टू ए लैम्डा की वैल्यू क्या बेटा माइनस ए बाय बी प्लस थ्री बी माइनस थ्री ए माइनस ए बाय बी. बहुत ज्यादा सिंपल है देखो बस कैलकुलेशन वाला पार्ट है. तो ये जगह एक्स एक्स तो जीरो हो गया प्लस टू बी ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया आपका देखो टा टू बाहर निकाल दिया वाई बाहर निकाल दिया तो क्या देखो टा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी है ना प्लस ये क्या देखो देखो थ्री बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर अपॉन फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बेटा देखो ध्यान सुनो 2y प्लस ऐसे स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन जगह थोड़ा 3 इक्वल टू 0 दिस इज आंसर. ये आपका आंसर आ गया है ना. अब इसका मतलब एक तरह से लाइन क्या होगी तो y इक्वल टू माइनस 3 बाय 2 तो माइनस 3 बाय 2 लाइन को ड्रॉ करो आप क्या होगी यहाँ नीचे कहीं होगी है ना ये यहाँ पर हो गया ना बेटा जीरो कॉमा माइनस थ्री बाई टू. अरे यस और नो तो आंसर क्या जाएगा बिलो एक्स एक्सिस है ना एट ये डिस्टेंस कितनी जाएगी है थ्री बाई टू डिस्टेंस. अरे यस और नो अरे हाँ यस सर यस सर. देखो सब लोग ध्यान सुनो फैमिली ऑफ लाइन की बात करते हैं अपन तो हो गए एल वन प्लस लेमड़ा एल इजिकल टू जीरो इसको सॉल्व किया एक्स कॉमन लिया वाई कॉमन लिया और कॉन्स्टेंट टर्म है ना तो हमको पता है स्लोप माइनस ए अपॉन बी आता तो हमारे पास स्लोप आ गई है. अगर स्लोप तो उसने अंकल जी ने क्या दे रखा था एम इजिकल टू जीरो तो उसमें पुट कर दिया एम इजिकल टू जीरो तो लेमड़ा के लिए माइनस सी बाय है ना. अब इसमें वैल्यू रख दी वापिस से जब आपने वैल्यू रखी लैम्डा के तो यू विल गेट द इक्वेशन दिस. इसको प्यार से देखो तो y = -3/2 हमको था y = कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू x एक्सिस. अब ये डिस्टेंस हो गई 3/2 तो बिलो 3/2 अरे यस एवरीबॉडी गेटिंग ना बेटा यस सर. कोई दिक्कत है सिंपल क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है. ऑप्शन देगा अबो द एक्स नहीं ऑप्शन ऑप्शन नेक्स्ट होगा सी एंड डी होगा. अभी अपने को पता नहीं है क्या ऑप्शन है. आईटी टाइप क्वेश्चन है मगर ये जरूरी है. अच्छा आ गया ना बिलो द एक्स एक्सिस ये आ गया बेटा सी इज द राइट ऑप्शन यस 3 by 2 था ना यस सी इज द राइट आंसर. आईआईटी का क्वेश्चन में बोला था ना आपको कि आईटी टाइप क्वेश्चन है वो. चलो बेटा अब ये क्वेश्चन करो आप तो So guys do.
Come on, do fast. थोड़ा दिमाग लगाओ.